नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सिविल और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। राजनगरी आगरा सहित पूरे उत्तर भारत में देखिए कड़ाके की गर्मी पड़ रही है, लगातार तापमान में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, जिसके चलते शासन प्रशासन की ओर से भी एडवाइजरी जारी की गई है कि जरूरी कार्य के लिए ही घर से निकले, अन्यथा तेज धूप में घर से ना निकले। ऐसे में लगातार बढ़ती गर्मी के चलते ताजमहल पर देखिए किस प्रकार बड़ी संख्या में पर्यटक ताजमहल देखने पहुँच रहे हैं और वहीं गर्मी के चलते कुछ गिरावट भी देखी गई है। वहीं इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में ताजमहल का दीदार करने के लिए पर्यटक लगातार पहुंच रहे हैं और देखिए पर्यटक वहीं आपको बता दें गर्मी का प्रकोप के चलते लगातार बढ़ते हुए तापमान को देखते हुए पेड़ों की छांव में भी आपको पर्यटक दिखाई बैठे हुए दे रहे हैं। वहीं साथ ही साथ ASI की ओर से सभी पर्यटकों को गर्मी से निजात दिलाने के लिए यहां कूलर लगाए गए हैं, जिसके सामने आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस प्रकार पर्यटक आराम फरमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हां दोस्तों, ताजनगरी आगरा में जहां लगातार तापमान बढ़ रहा है, तो वहीं आपको बता दें कि तापमान के साथ साथ ताजमहल का दीदार करने वाले मोहब्बत की निशानी ताजमहल को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक देखिए ताजमहल पर पहुंच रहे हैं और उन्हें गर्मी भी नहीं रोक पा रही है। ऐसे में गर्मी से बचने के लिए जहां पर्यटक देखिए पेड़ों की छांव में बैठे दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं आपको बता दें ASI के द्वारा लगाए गए कूलरों में भी आराम फरमाते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस प्रकार ताजमहल का दीदार करने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुँच रहे हैं, जबकि आपको बता दें शासन प्रशासन की एडवाइजरी जारी की गई है कि जरूरी कार्य के लिए ही घर से निकलें, परंतु विश्व का धरोहर विश्व युवा ताजमहल देखिए सभी के लिए दीदार करने के लिए आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस प्रकार बड़ी संख्या में जनता यानी कि पर्यटक यहाँ पहुंच रहे हैं। और इसी के साथ जुड़े रहें आप हमारे साथ और देखते रहें हिंदुस्तान सिविल न्यूज़।